हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग ब्लॉग्स विद त्रिवेणिका। तो आज गई हूँ मैं आप लोगों के साथ मधुबनी पेंटिंग क्लास वन शेयर करने। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे बेसिक नीड्स, बेसिक जो थिंग्स होती हैं मधुबनी पेंटिंग के लिए वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी शीट्स के बारे में। शीट्स हमेशा आपको 150 GSM से ऊपर की शीट यूज़ करनी है। 200 GSM की भी कर सकते हैं, 300 की भी कर सकते हैं, 400 की भी कर सकते हैं। जो इनका आउटपुट है वो तो अच्छा आता ही है, साथ के साथ जब आप इनको फ्रेमिंग करवाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सेफ हो जाती हैं। तो ये पेपर्स आप हैं, पेपर्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आप कैनवास भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेच कैनवास है, जो भी अभी आपको मैं दिखा रही हूँ ये स्ट्रेच कैनवास है। इस पर भी हम पेंटिंग बनाना सीखेंगे। मेरी क्लास में मैं आपको हर चीज़ जो भी मेरे पास है अभी मैं दिखा रही हूँ, उन सब चीज़ों पर आपको पेंटिंग करना सिखाऊंगी कि पेपर पर किस तरीके से करते हैं और कैनवास बोर्ड पर किस तरीके से की जाती है। कैनवास भी मार्केट में दो तरीके के अवेलेबल हैं। ये स्ट्रेच कैनवास है, एक नॉर्मल पेस्टिंग वाला कैनवास मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कैनवास क्लॉथ भी मिलता है, लेकिन कैनवास क्लॉथ को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप नॉर्मल कैनवास यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कलर्स के बारे में। इसको लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि एक्रेलिक कलर यूज़ करें, पोस्टर कलर यूज़ करें या वाटर कलर यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप ये नॉर्मल 20 रुपीज़ का मार्केट में मिलता है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप सीख रहे हैं तो सीखने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको बहुत अच्छा कलर ही यूज़ करना है। आप चाहें तो कोई एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर मैं जैसे ब्रशों के यूज़ करती हूँ, पर यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी कंपनी का या इसी ब्रांड का खरीदिए। आपकी मार्केट में आपके आसपास जो स्टेशनरी की शॉप है उनके पास जो मिलता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप इंक भी खरीद सकते हैं, जो कलरिंग इंक, पेंटिंग इंक आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जिनसे हमें डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पर 5 रुपीज़ का नॉर्मल ये जेल पेन आता है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाटर प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। आप परमानेंट मार्कर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोन पेन है तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल, बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो आप इस तरीके की पेंटिंग निब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अभी पेंटिंग निब्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप मार्केट से नॉर्मल फाउंटेन पेन भी परचेज कर सकते हैं, जो कि हार्डली 10 to 15 रुपीज़ का आता है। बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं आती है, कई बार कलर्स का फैलने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड ही करती हूँ हमेशा। आप नॉर्मल जो पेंटिंग निब्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये तो 5 का पैक है, आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल भी आप खरीद सकते हैं। तो अगर अभी आप मेरे साथ जो पेंटिंग्स हैं वो निब से ड्रॉ करेंगे, तो निब से जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आपको इंक बनानी होगी। इंक कैसे बनानी होगी, जैसा कि मैंने ये चीज़ आपको कई बार ये चीज़ शेयर की है कि आप 3 पोर्शन एक्रेलिक कलर और उसमें 1 पोर्शन वाटर का ऐड करना है हमें। आप 50-50 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए कि जब हम अपनी इंक निब से लाइन ड्रॉ करें तो वो हमें ब्लैक दिखनी चाहिए, ग्रेश नहीं दिखनी चाहिए। अगर वो ग्रेश लगेगी तो आपका जो डिज़ाइन है फेड लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सा डिज़ाइन को ब्राइट, अच्छा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो कलर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रखिएगा और वाटर का कम रखिएगा। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी बनाकर आप बॉटल में कलर को रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कलर ड्राई नहीं होता है, क्योंकि आप कैप इसकी लगा देते हैं तो ये सिक्योर रहता है और इसको कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताऊँगी डिफरेंस जेल पेन में, परमानेंट मार्कर में, प्रोफेशनल पेंटिंग निब में और नॉर्मल फाउंटेन पेन में। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी मेरी निब से। पेंटिंग निब्स की एक खासियत है कि ये बहुत स्मूथ चलती हैं पेपर पे और इजीली लाइन को ड्रॉ कर लेती हैं।
अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी नॉर्मल फाउंटेन पेन से। इसके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहती है कि थोड़ा सा इंक जो है वो ये अच्छे से होल्ड नहीं कर पाती है इसकी नेम, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बार बार डिप करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये इसके अंदर ये फाउंटेन पेन के साथ आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। डिज़ाइन बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अब मैं बनाकर दिखाऊंगी आपको जेल पेन से। जेल पेन का आउटपुट भी अच्छा आता है, उसका भी डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ बहुत सुंदर लगता है और एकदम डार्क होने की वजह से अट्रैक्टिव लगता है। अब मैं ये डिज़ाइन आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी परमानेंट मार्कर से। परमानेंट मार्कर के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि पेपर पे चलने की वजह से ये जल्दी से ड्राई होने लगता है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आउटपुट है इन सब निब्स का, पेन का और परमानेंट मार्कर का, आप ये देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी क्लास वन की एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज है आपको निब से या पेन से जिस भी चीज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं उससे आपको लाइंस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। वन स्ट्रोक में आपको लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, जिगजैग लाइन, कर्व लाइन, इस तरीके से स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी रफ पेपर पे, किसी भी पेपर पे आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर सकते हैं। इनसे आपका क्या होगा, आपकी जो कलाई का मूवमेंट है वो फ्लेक्सिबल होगा और डिज़ाइन ड्रॉ करने में आपको आसानी होगी। बस ध्यान रहे कि आपको एक स्ट्रोक में लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है, उसको ब्रेक कर करके आप ड्रॉ नहीं करेंगे। तो जब आप स्ट्रेट लाइंस हर डायरेक्शन की ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे कर्व लाइन ड्रॉ करने की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मधुबनी पेंटिंग के लिए, तो इसको कर्व लाइन ड्रॉ करना एक ही स्ट्रोक में आपको बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप 100 100 लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जितना आप इन लाइंस को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका कलाई का मूवमेंट फ्लेक्सिबल होगा। कर्व लाइन ड्रॉ करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे जिगजैग लाइन ड्रॉ करने की। इसको भी आप कोशिश करेंगे कि एक ही स्ट्रोक में बने, एक सीधा भी एक उल्टा भी। इस तरीके से आप जिगजैग लाइन स्लीपिंग वे में, स्लैंटिंग वे में और स्ट्रेट वे में आप ड्रॉ करना इसको सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये सब जो चीज़ है, ये जो सब पैटर्न्स मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये सब हमारी मधुबनी पेंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपके हाथ में यहाँ फिनिशिंग आ गई ना तो यकीन मानिए आप कोई भी डिज़ाइन बहुत इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज आप इन तीन तरीके की लाइंस को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन और जिगजैग लाइन। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको क्लास वन? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिसको भी मधुबनी पेंटिंग सीखनी है उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।